नमस्कार, मैं विपिन तिवारी, किताबी दुनिया यूट्यूब चैनल की तरफ से सर आपका स्वागत है। किताबी दुनिया की किसान और किसानी श्रृंखला में अभी तक हमने विभिन्न कड़ियों में कहानियों को और इसके साथ साथ कविताओं को कुछ कहानी पाठ हमने सुने हैं। और आज हमारे साथ हैं हमारे समय के महत्वपूर्ण नाटककार राजेश कुमार जी। वैसे राजेश कुमार जी को आप सभी लोग जानते होंगे। समाज की समस्याओं पर जब हम विचार करते हैं तो तुरंत हमारे जहन में एक सवाल आता है कि इस पर नाटक लिखने वाला कौन है। तो उसमें राजेश कुमार का ही नाम हम जान पाते हैं, चाहे वो गाय हो, चाहे हिंदू को बिल हो, या गांधी और अंबेडकर का सवाल हो, या फिर किसानों की आत्महत्या की बात हो जिस पर हमको नाटक मिलता है, सुखिया मर गया भूख से। ऐसे जो भी सवाल हमारे समाज के बेहद जरूरी हैं उन पर अगर हम नाटकों के बारे में जरा भी विचार करते हैं, गहराई से सोचते हैं, तो राजेश कुमार जी को हम छोड़ करके बात नहीं कर सकते हैं। और इन नाटकों को पढ़ते हुए बार बार हमको लगता है कि जो हमारे समाज में एक ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था है, जो कहीं ना कहीं हमको किसी न किसी रूप में दिख जाती है, चाहे वो रंगमंच का हो, या विश्वविद्यालयों में हो, या फिर फिल्मी दुनिया में हो, इन सारे सवालों से बिना गुजरे हुए हम अपने समय को सही से रेखांकित नहीं कर सकते। राजेश कुमार जी आज हमारे साथ हैं और वो बात बात करेंगे हिंदी रंगमंच में किसान। किताबों में हमने जो कुछ पढ़ा हुआ है और जब हम नाटककार सुनते हैं तो दोनों में कई बार फर्क आता है। मैं इस कार्यक्रम में सिर्फ एक माध्यम हूँ राजेश कुमार जी से किताबी दुनिया के दर्शकों को परिचित कराने का, और बाकी आप सर से बातें सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे रंगमंच में किसानों को किस तरह से रेखांकित किया गया है। और आज जब किसानों का आंदोलन बड़े स्तर पर चल रहा है, और तब भी हमारी अगर साहित्य के जो प्रतिमान है उसमें अगर किसान शामिल नहीं होते हैं तो इस पर भी हमको गौर करना चाहिए। यही बात नाटक की अभिजातता को लेकर के है कि एक समय था कि जब नाटकों को हम उच्च वर्ग या अभिजाति वर्ग तक सीमित किए हुए थे, उसका जो पूरा परिवेश था वो भी हम सामंती समाज के आसपास बुना हुआ होता था। लेकिन नाटक जब समाज के साथ जुड़ता है तभी हम समझ पाते हैं कि नाटक का वास्तविक अर्थ क्या है। सफदर हाशमी को हम अगर पढ़ते हैं, चाहे उनके शहादत को जिस तरह से उनकी हुई, जिस तरह से वो नाटकों को इस समाज में बदलने का एक जरिया बनाए हुए थे, वही बदलाव हम अगर अपने समय में रेखांकित करें तो उसमें हम राजेश कुमार जी के नाटकों को पाते हैं। मैं दर्शकों और सर के बीच से मैं अपने आप को अनुपस्थित करता हूं और सर अपनी बात करेंगे हिंदी रंगमंच में किसान विषय पर। सर आपका किताबी दुनिया की तरफ से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस मंच के माध्यम से हम लोग सुन पाएंगे और अपने समय को समझने में मदद मिलेगी। नमस्कार विपिन जी, मुझे बहुत खुशी हुई कि किताबी दुनिया की जो श्रृंखला आजकल चल रही है किसान और किसानी, उसमें आपने मुझे अपनी बात कहने का मौका मिला। क्योंकि जो सवाल है किसान और किसानी, उससे रंगमंच अलग नहीं रह सकता है। और विशेषकर आजकल के समय में, आजकल का जो दौर है जहां पर पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया या सोशल मीडिया जिसको उठा कर अगर देखें, अगर तो हर तरफ किसान का सवाल छाया हुआ है। और किसान अभी केंद्र में है। अभी फिलहाल एक लंबे समय के बाद कहीं ना कहीं किसान किसान का आंदोलन हमारे बीच में आया है और अपना ध्यान आकर्षित कर रहा है। क्योंकि जिस तरह की कृषि नीति हमारे बीच में आई है, लोकसभा और सदन के द्वारा पास, जल्दीबाजी में पास कराकर उसे थोपने की कोशिश की जा रही है, और किसान उसके विरोध में एक लंबे समय से, ये तात्कालिक आंदोलन नहीं है। जो किसान का आंदोलन हम जो देख रहे हैं वो तात्कालिक नहीं कि एक दो दिन में आ गया, एक लंबे समय से सत्ता की तैयारी चल रही थी। और उसको लगा कि कौन सा ऐसा वक्त आएगा जहां पर हम इसको, विधेयक को लाएं और कहीं ना कहीं किसानों पर थोप दिया जाए। उन्हें ये कोरोना काल सबसे बहुत
मुकम्मल समय लगा और कोरोना काल में कृषि नीति नहीं, कई नीतियां बहुत सारी आई हैं, चाहे वो शिक्षा नीति हो, चाहे और भी कटौतियां हो, वो सारी कटौतियां कोरोना काल में आप देखेंगे सरकार को, जो एक बीमारी से, महामारी से लड़ने की जरूरत थी, उन्होंने लड़ने की अपेक्षा उन्होंने बहुत से उन्होंने जो लगा कि ये काम किया जाए, और उन्होंने सारे जो मानव विरोधी या किसान विरोधी, छात्र विरोधी, ये तमाम जो कार्य थे उन्होंने करने शुरू कर दिए। उसमें सबसे आए तो बहुत सारी नीतियां उन्होंने लागू की, उन्हें लग रहा था कि शिक्षा नीति में बहुत ऐसा विरोध खड़ा नहीं हुआ तो दूसरा ले आए, लेकिन कृषि नीति को लेकर जो किसान एक बड़ी संख्या में खड़ा हुआ, मुकम्मल तैयारी के साथ, हम जो देख रहे हैं कि दिल्ली के चारों तरफ जो आने वाले, दिल्ली को आने वाली जो हाईवे हैं, एक्सप्रेस हाईवे हैं, उन सड़कों पर किसान ले लेकर अपने रोजी रोटी, सामान खान पान लेकर वो जिस तरह से आए हैं और एक मुकम्मल लड़ाई तैयारी करने के साथ आए, ऐसी लड़ाई उसके पहले भी हुई दिखी थी दिल्ली में, इस तरह की किसानों का आना और अपना विरोध जाहिर करना, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। इसके कुछ ही दिनों पहले, हम देख रहे हैं महीनों पहले, तमिलनाडु के किसान आए थे और वो बहुत दिनों तक वहां रहे, जाड़े के दिनों में भी रहे, और नंगे नंग धड़ंग उन्होंने प्रदर्शन किया, चूहों को खाकर ये बताने की कोशिश की कि किसान की माली हालत कैसी हो गई है। उसके पहले भी एक और जुलूस किसानों के निकली थी, आप अगर देखें तो महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या, विदर्भ से लेकर एक लंबी यात्रा निकली थी, हजारों लाखों की संख्या में, अद्भुत यात्रा थी और बॉम्बे में जाकर खत्म हुई थी। और उस यात्रा में जो बहुत महत्वपूर्ण और नोटिस करने वाली बात थी कि उसमें केवल किसान ही नहीं थे, जिधर जिधर से किसान गुजर रहे थे लोग जुड़ रहे थे, कहीं कहीं डॉक्टर उनकी सेवा कर रहा है, उनका मेडिकल चेकअप कर रहा है, कोई पानी पिला रहा है, कोई खाना खिला रहा है, वही लगभग उसी तरह का प्रतिरोध, उसी तरह का संघर्ष फिर किसानों का उभर कर आया है, और बहुत मजबूत ढंग से आया है। वो शायद इसलिए आया है कि इस बार जो नीति आई है, तीन किसान की जो नीति है, वो किसानों को कहीं ना कहीं लग रहा है कि जिस तरह से पिछले दिनों जंगलों को जिस तरह से पूरा एक तरह से उनको खनन करके, वहां के खनिज चीजों का खनन करके और उनका शोषण किया गया, और जब वो आदिवासियों ने जब विरोध किया तो किस तरह से विरोध दबाया गया, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज भी आप देखेंगे जंगलों में, चाहे कोयला हो या बॉक्साइट हो या और भी दूसरी चीजें, जो खनन के लिए बहुत सारे जो मल्टीनेशनल्स कॉरपोरेट आ रही हैं और जिस तरह से उनको फायदा पहुंचाने के लिए कम दामों में उनको स्लैब दिए गए हैं, और उसका जब कोई विरोध करता है तो विरोध करने वालों को या उनकी जमीन पर रहने वाले, हजारों वर्षों से रहने वाले आदिवासियों को खदेड़ दिया गया है, वही कहीं ना कहीं फिर से लग रहा है वर्तमान सरकार को कि किसानों के साथ भी की जा सकती है। अब उनकी नजर कहीं ना कहीं गिद्ध दृष्टि किसानों पर पड़ गई है, और उसको, उनकी लड़ाई को आप देखें, उनकी लड़ाई को डिस्टॉर्ट करने के लिए उसी तरह के फार्मूले अपनाए जा रहे हैं जिस तरह के फार्मूले पिछले वर्ष शाहीन बाग और उजियार गांव और लखनऊ में जो धरने पर बैठे हुए और देश के विभिन्न सीए के विरोध में धरने में जो बैठे हुए लोग थे, बहुत बड़ी जनसंख्या सीए के विरोध में, और किस तरह से उसको, पहले उसको दुष्प्रचार उसके खिलाफ किया गया और धीरे धीरे तोड़ने की जितनी कोशिश हो सकती थी, और अंततः कोरोना के ओट में, कोरोना का सामने ढाल बनाकर, या सड़क को रोकने को कि सड़क को रोकने, सड़क पर जाम करने से लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, तो एक उन्होंने ये खेल खेल करके कहीं ना कहीं उस आंदोलन को पीछे ठेल दिया। वही इस बार भी होने वाला है या कर रहे हैं लोग। पहले दांव में उन्होंने ये चला कि ये किसान जो है खालिस्तानी है,
बहुत प्रचार हुआ। और ऐसा नहीं कि कोई क्या कहते हैं कोई छोटा मोटा नेता कह रहा हो इनके बारे में, बड़े बड़े नेताओं ने, इनके सांसदों ने, कोई खालिस्तानी कह रहा है, कोई टुकड़े टुकड़े गैंग कह रहा है। अब तो नया अर्बन नक्सल माओवादी और टुकड़े टुकड़े गैंग से किसानों को संबोधित किया जा रहा है। एक तरह से तोड़ने की जहां कोशिश हो रही है, वहीं हम देख रहे हैं कि एक जनता की बड़ी भागीदारी मिल रही है इसमें, जो जिस तरह से है उससे जुड़ रहा है। कोई अपनी भूमिका, अपनी इस लड़ाई में भूमिका, कोई खाना बना रहा है, लंगर में रोटियां बना रहा है, बहुत सारी महिलाएं जो हैं इन महिलाएं जाकर खाना बना रही हैं, कोई दूर दूर से पैसा दे रहा है, कोई रोटी बनाने की मशीन दे रहा है। हम तो देख कर चकित हैं कि कुछ लोगों ने, लोग वहां जो किसान आए थे उनके कपड़े धोने के लिए काफी काम कर रहे हैं, कुछ लोगों ने डोनेट किया है मशीन और मशीन में धुलाई हो रही है। कुछ बार्बर जो होते हैं वो अपनी भूमिका इस लड़ाई से कैसे जोड़े, उन्होंने बाल काटने का किया है, वो रोज किसानों के जो बैठे हुए हैं उनकी दाढ़ी बना रहे हैं, बाल बना रहे हैं। अर्थात इस लड़ाई में सब लोग हैं, कहीं ना कहीं केवल किसान नहीं है। कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है कि किसान की लड़ाई अगर हम हार गए तो इसका इसका खामियाजा केवल किसानों को भुगतना नहीं पड़ेगा, जो दूसरे लोग हैं, क्योंकि अनाज केवल किसान ही तो नहीं खाता है, सब्जियां केवल किसान ही उपयोग में नहीं लाता है, सब लोग खाते हैं, उसका सबका असर पड़ेगा। किसान पहले और उसके बाद किसान से खरीदने वाले जो लोग हैं उस पे इस आंदोलन का प्रभाव होने वाला है, इसलिए हर कोई जोड़ रहा है, यहां तक कि कवि लोग भी जोड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं ढेर सारी कविताएं लिखी जा रही हैं वहां पर, क्या कहते हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया के लोग अपने अपने कैमरे मोबाइल लेकर उनके समर्थन में क्या कहते हैं तथ्य जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके आंदोलन को नए नए ढंग से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। केवल गोदी मीडिया ही नहीं वहां है, गोदी मीडिया तो एक तरह से उनका चेहरा ना बेनकाब कर दिया गया, एक तरह से उनका बहिष्कार किया गया बड़े बड़े बैनर लगा के। अब छोटे छोटे लोगों ने, पत्रकारों ने अपने मोबाइल के माध्यम से वहां पहुंच गए हैं और किसानों के दर्द को ला रहे हैं। तो ऐसे हालात में एक कलाकार, संस्कृत कर्मी कैसे बच रहा सकता है, कदापि नहीं बच सकता है। आप देख रहे हैं वहां पे लोग अगर कविताएं कह रहे हैं, सुना रहे हैं उनके किसानों के समर्थन में, तो बहुत से कलाकार गाना गा रहे हैं वहां पे डफली के साथ, वो किसानों के नए नए धुन कर और उनकी कृषि नीतियों पर गीत बना रहे हैं। कुछ टोलियां वहां नाटक कर रही हैं, जो कला प्रेमी है, जो मुख्य रूप से क्या कहते हैं कला फॉर कला के लिए हैं, उनको शायद नागवार गुजरेगा, वो शायद विरोध भी करे, 848 शेख वाले जो धारा से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो सत्ता से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो लोग शायद नाक भाव भी सिकोड़ेंगे कि ये इनकी किस तरह की नाटक कर रहे हैं, किस तरह का गाना गा रहे हैं, किस तरह की क्या कहते हैं अभिनय उनका है। लेकिन वो जो अभिनय कर रहे हैं, जो जिस तरह का तथ्य ला रहे हैं, उस तथ्य को देखने की जरूरत है। ये पहली बार नहीं हुआ है कि किसी भी लड़ाई में कलाकारों ने समर्थन किया हो, ये हमेशा रहा है। जब रूस की क्रांति हुई थी उसमें कलाकारों का एक बहुत बड़ा वर्ग जो था उस इनके रूसी क्रांति के आंदोलन के साथ में रहा, वो मायकोवस्की की कविताओं को मजदूरों के बीच वो बहुत ही कुशलता ढंग से सुनाते थे, मजदूरों की कहानी या मजदूरों पर हुए दमन और प्रतिरोध के तथ्य को वो नाटक के रूप में प्रस्तुत करते थे। उसी तरह का हम देख रहे हैं जहां भी हो, चाहे वो हमारे देश में हो, चाहे चाइना में हो, जहां भी ये लड़ाइयां इस तरह को हुई हैं, वो कहीं ना कहीं कलाकारों की राजनीति के साथ जुड़कर लोगों ने इस चीज को एक संयोग बनाकर प्रस्तुत किया है। कुछ लोग जो राजनीति से परहेज करते हैं
जो लोग पार्टी के नाम से उछलते हैं उनको शायद नागवार गुजरेगा। अगर ये किसानों के बीच आज ये नाटक कर रहे हैं लोग, गाना गा रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि ये रंगकर्मी किसी पार्टी का प्रोपगंडा कर रहे हैं। ये रंगकर्मी, ये संस्कृतिकर्मी कहीं न कहीं उनके आंदोलन को तेज करना चाह रहे हैं। और आप देखें इस तरह का उदाहरण पहले भी रहे हैं। देखिए मुख्य धारा का रंगमंच इसके समर्थन में ज्यादा नहीं आएगा, कभी रहा भी नहीं है। अगर हम बहुत प्राचीन में जाए तो संस्कृत नाटक देखें और दूसरी तरफ लोक नाटक देखें, दो धाराएं नहीं है, दो ध्रुवीकरण, दो भाग में हमारा जैसे समाज बटा रहा है उसी तरह से कला संस्कृति भी दो भाग में विभक्त रही। एक सत्ता के पक्ष में रहा है, दूसरा सत्ता के जनता के पास रहा है। जैसे संस्कृत नाटक ले तो संस्कृत नाटक आपको सत्ता के करीब रहा जाता, दरबार के बीच में ही, मंदिरों के बीच में ही उसका पालन पोषण हुआ है। तो इसलिए संस्कृत नाटकों में अगर आप किसान देखें ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, वहां नायक ही होता था। ऐसा नायक होना चाहिए जो नायक उच्च वर्ण का और समृद्ध और विद्वान, कई पैरामीटर्स थे। निम्न जाति का, निम्न लोग नायक हो ही नहीं सकते थे, बहुत से लिमिटेशन थे संस्कृत नाटक के। इसलिए अगर हम संस्कृत नाटकों में किसान ढूंढने लग जाएं तो नहीं मिलेगा, किसान हमें मिलेंगे लोक नाटकों में और सदा से रहे, हमेशा से रहे हैं। आप देखेंगे हमारे बहुत डॉक्यूमेंट्स, चूंकि डॉक्यूमेंटेशन हमारे यहाँ बहुत अच्छा नहीं हुआ पहले का, लेकिन जो हाल 100-200 साल के डॉक्यूमेंटेशन हमारे सामने हैं उनके ऊपर अगर पन्ने उलटे आ गए तो हमें ऐसे उदाहरण कई मिलते हैं। 1853 में ज्योतिबा फुले का नाटक तृतीय रथ, जो महाराष्ट्र के लोक शैली में लिखा हुआ है, खेती बाड़ी थिएटर जो वहां के महाराष्ट्र का एक फॉर्म था, वो तृतीय रत्न जो नाटक है फुले जी का, उसमें किसान पे ही नाटक है पूरा मुकम्मल, 1.5-2 घंटे का नाटक। और उसमें यह दिखाया गया है कि किसान जो अपनी पैदाइश कर रहा है उसमें जो अपने किसानी से जो फसल कमाया है उस फसल को पर कैसी गिद्ध दृष्टि अपर कास्ट के लोगों की लगी हुई है, किस तरह से ब्राह्मण आ रहा है और धर्म को डराकर, धर्म का माध्यम से, धर्म के माध्यम से अंधविश्वास फैलाकर, ढकोसला करके उसके बहुत बड़े उसकी पूंजी को जो उसने कमाई थी खेतों से, उपज से, उपज से, उसको ले जाता है और उसको कोई संकोच नहीं होता है। तो उसको फूले जी ने तृतीय रत्न में अगर देखे, मुझे तो लगता है कि पहली बार किसानों को इस ढंग से प्रस्तुत किया गया है। कुछ ही वर्षों के बाद जब हमारे यहाँ पूरा ब्रिटिश साम्राज्यवाद आ गया था और उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि किसानों पर थोपना शुरू कर दिया, जिस तरह से आज कॉरपोरेट कह रही है कि किसान खेती जो है कॉन्ट्रैक्ट खेती होगी, या कुछ वर्षों से तो बहुत सी इलाकों में ऐसा हो रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट खेतियां हो रही हैं, उनको कहा जा रहा है कि आप ये फसल उगाएं, ये महंगी फसल उगाएं, हम आपको ले लेंगे। और किसान करते भी हैं, उनके लोभवश में आकर वो धान और गेहूं को छोड़कर वैसी फसलें उगाने लगते हैं जिनका विदेशी मार्केट बहुत ज्यादा होता है। उसको इसका पूरा नील दर्पण जो नाटक है में दिखाई देता है। अंग्रेजों ने कहा, उसको लगा कि यहाँ जो नील की खेती हो रही है, नील की खेती करने से जो नील पैदा होगा वो उसका विदेशों में बहुत मूल्य मिलेगा। इसलिए उन्होंने उस वक्त के किसानों पर एक दबाव डाला कि आप जो पारंपरिक खेती है वो नहीं करेंगे। किसान पारंपरिक खेती करने से उसकी रोजी रोटी, परिवार के रिश्तेदारों के खाने पीने का, पूरे समाज के खाने पीने का एक साल भर का मुहैया हो जाता था। लेकिन जब नील के खेती का कंपल्सन आया कि नहीं खेती ही करनी होगी, और खेती में फायदा नहीं होने लगा,
तो उन्होंने एक तरह से इनकार कर दिया कि हम खेती नहीं करेंगे। तो खेती नहीं करने पर अंग्रेजों का जिस तरह से दबाव हुआ, और अंग्रेज सीधे तौर पर नहीं थे, उनके एक दलाल के रूप में जमींदार उनके बीच में था, मिडिल मैन, और जमींदार उन लोगों से सीधे जुड़ा हुआ था, किसानों से, और वो उन पर दबाव डाल के कहता था कि नहीं नहीं करना पड़ेगा खेती, नहीं करोगे तो तुमने जो पैसा मैं तुमने दिया मैंने उसका कर बढ़ेगा, उसके ब्याज के पैसे दो, मूल पैसे दो। किसानों की इतनी खराब दुर्दशा जमींदारों ने और ब्रिटिश सरकार ने की कर दी थी कि किसान आत्महत्या की स्थिति में आई थी, आ गए थे, जो आज हम लाखों की संख्या में किसान आत्महत्या में है, ये कहीं ना कहीं ये दौर वहां तभी शुरू हो गया था, साम्राज्यवाद के दबाव के पर। आज तो कॉरपोरेट हमें दिख रहा है, लेकिन तब साम्राज्यवाद का दौर था। उस पर नील दर्पण जो नाटक किया गया, और उसके नाटक का जहां जहां मंचन होता था लोग जुड़ जाते थे। किसानों को लगता था कि ये तो मेरा नाटक है, मेरे दिल की बातें कर रहा है, और कहीं ना कहीं संवेदनात्मक स्तर से उस नाटक ने किसानों को जो जोड़ा, उनके अंदर चेतना का भाव लाया, और वो चेतना धीरे धीरे प्रतिरोध में बदलकर संघर्ष की तरफ मुड़ रहा था। ब्रिटिश सरकार को लगा कि ये नाटक में किसान को जिस तरह से लाया जा रहा है, ये एक सुखद संकेत नहीं है। उसी वक्त उन्होंने ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट लाया था हमारे देश में, जो आज भी कहीं ना कहीं चल रहा है दूसरे रूप में। उस एक्ट के तहत कोई भी नाटक बिना सरकार की अनुमति लिए कोई कर नहीं सकता। सरकार को पहले वो स्क्रिप्ट जमा करना होगा, सरकार को लगेगा कि ये आलेख, ये नाटक दर्शकों को या किस लोगों को दिखाने योग्य है तो हम दिखाने के परमिशन देंगे। अगर सरकार को लगता था ये लोगों के अंदर कहीं ना कहीं चेतना का भाव जाएगा जगाएगा, तो वो कभी भी ऐसे नाटकों को करने के लिए परमिशन नहीं देती थी। इसीलिए सरकार ने ऐसा परफॉर्मेंस एक्ट लाया था। ये बहुत दिनों तक चला रहा, नाटकों में किसी न किसी रूप में किसान आते भी रहे। पारसी के दौर में आप देखें, पारसी थिएटर का जो मूवमेंट था उसमें थोड़ा कम हो गया बल किसानों पर, लेकिन देखें तो 1936 के बाद हमारे देश में जो ये आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन बहुत तेजी से बढ़ा, और 40 के 42 में जो बंगाल का अकाल आया था, कृत्रिम अकाल, जिसको सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने युद्ध के कारण एक कृत्रिम अकाल उत्पन्न किया था, उस कृत्रिम अकाल के कारण बंगाल में लाखों की संख्या में किसान, उनके परिवार के लोग, जैसा लोग कहते हैं कि बंगाल की सड़कों पर लोग चलते चलते गिर जाते थे, मर जाते थे, हजारों की संख्या में उनके जानवर मर गए सड़कों पर गिर गए, लोग अपने बाल बच्चों को बेचने के लिए मजबूर हो गए थे। इसको विजन भट्टाचार्य ने नवान नाटक में लाया, और उस नवान नाटक में किसान की जो इतनी भागीदारी बेहतरीन ढंग से लाई गई थी कि जहां जहां इप्टा और उनके सहयोगी संस्थाओं द्वारा देश के कोने कोने में उसका मंचन हुआ, बहुत असर पड़ा लोगों के अंदर, कई सवाल खड़े हुए। इतना सशक्त ढंग से किसानों का जीवन अब तक नहीं उभरा था जितना नवान में हुआ था, और इप्टा ने अपने कई नाटकों को, उसके बाद कई नाटकों को उन्होंने किया। हमारे हिंदी के बहुत बड़े कवि शील थे, उन्होंने एक नाटक लिखा था किसान, जो केंद्रित किसान पर ही था। उसको पृथ्वीराज कपूर, जो उस वक्त के सबसे बड़े निर्देशक थे पारसी थिएटर का और घुमंतू थिएटर का, वो पूरे देश में घूम घूम कर शहरों में जा जाकर वो नाटक करते थे। उन्होंने इस नाटक को देश के कई इलाकों में किया, और उसमें वही किसानों के सवाल को, किसानों को, खेती को लेकर, किसान पर किस तरह से जमींदारों का दमन हो रहा है, किसानों की महिलाओं के साथ किस तरह से
जो उच्च जाति के लोग हैं, जमींदार लोग हैं, बुरी नजर रख रहे हैं, इन चीजों को भाला गया और कहीं ना कहीं किसान की के अंदर आक्रोश वो भी परिलक्षित होता था। बाद के आजादी के कुछ वर्ष पहले जो तेलंगाना में जो तिभागा आंदोलन हुआ था किसान का, वहां पर भी कई नाटक लिखे गए तेलुगु में और लोगों ने अपने अपने फॉर्म में, अपने अपने रूप में उन्होंने किया। ये परंपरा आप देखेंगे आजादी के कई सालों तक लगातार जारी रहा। बीच में थोड़ा सा वर्तमान सरकार के कारण लोगों को लगता था एक कि सपने जो थे वर्तमान सरकार से, पहले तो काफी सपने संजोए थे, लेकिन बाद में आपको देखेंगे 64-65 के बाद जो है वो जो मोह भंग होता है इस कांग्रेस की सरकार से और बेरोजगारी बहुत बढ़ती है, किसानों पर जिस तरह से जुल्म उठाए जाते हैं, बंगाल के नक्सलवाड़ी आंदोलन में ये उभर कर आया है। बंगाल में चूंकि नक्सलवाड़ी आंदोलन जो हुआ था वहां पर जमींदारों के द्वारा जो शोषण होते थे, तो शोषण के विरुद्ध में जो खेतिहर मजदूर थे उनकी जो लड़ाई थी कि जो जोतेगा वो उसकी जमीन उसी की होगी, और जिस जमींदारों के जो जुल्म होते थे उसके प्रतिरोध में खड़े हुए, उस पर बंगाल के कई नाटककारों ने अपने नाटकों में उसे चित्रित किया। बादल सरकार के कई नाटकों में बंगाल के किसान के आंदोलन को हम आराम से देख सकते हैं। उत्पल दत्त, बादल सरकार, अरुण मुखर्जी, ये प्रमुख जो नाटककार बंगाल के थे, उनके नाटकों में उस दौर के जो बंगाल का जो किसान आंदोलन रहा है वो साफ साफ दिखा है। हिंदी में भी आप देखें आपातकाल के दौर में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के नाटक, चाहे वो बकरी हो, अब गरीबी हटाओ, ऐसे नाटकों में किस तरह से वर्तमान जो सत्ता है किसानों को कैसे धोखा देकर, किस तरह से दूसरे दूसरे सुहावने नारे देकर उनको भरमाने की कोशिश कर रही है। सुरेश सक्सेना ने बकरी और अब गरीबी हटाओ नाटक में साफ साफ लाया है। इस दौर में प्रेमचंद भी खूब याद किए गए। उनका उपन्यास, कालजयी उपन्यास गोदान को कई निर्देशकों ने, कई लेखकों ने अपने अपने ढंग से किया। विष्णु प्रभाकर ने गोदान को उन्होंने 2 घंटे के रूप में, 2 घंटे के मंचन के योग बनाने हेतु उन्होंने होरी नाम से इसका नाट रूपांतर किया, जो बहुत लोकप्रिय था। देश की कई संस्थाओं में लोगों ने उसे नाटक खेला। बाद में उसे भानु भारती ने एक गांव की कहानी, और अभी हाल फिलहाल में जेपी सिंह ने भी उसका अनुवाद गोदान नाम से किया। अर्थात प्रेमचंद के गोदान ने बार बार रंगकर्मियों को अपनी तरफ आकर्षित किया है। किसानों को जब भी कुछ कहने की बात होती थी कि किसान के बारे में कुछ कहा जाए, उनकी नजर उन्हें गोदान के ख्याल आता था। कहीं ना कहीं गोदान एक महाकाव्य के रूप में था, जिसमें किसान पर होने वाले शोषण, कितने तरह से शोषण हो सकते थे, वो उसमें उभारा गया था। होरी के माध्यम से लोगों को बहुत जोड़ता था। प्रेमचंद की कई कहानियां आप देखेंगे इस दौर में मंचन हुए, जो जब लोगों को लगा कि नाटक हमारे सामने नहीं है किसानों पर लिखे हुए, तो हिंदी रंगमंच में के निर्देशकों का ध्यान प्रेमचंद की कहानी पर सबसे अधिक गया, और नाटक के लिए उन्होंने उनकी कहानियों का नाट रूपांतर सबसे अधिक किया। 80 के दशक में आप देखेंगे सवा शेर गेहूं का नाट रूपांतर हमारे देश में जगह जगह लोगों ने किया। इप्टा के अवधेश कुमार ने भी किया, मैंने भी किया था, और बसंत कुमार ने भी किया था। उसको लोगों ने नुक्कड़ नाटक के रूप में, जो उन दिनों दौर
आंदोलन चल रहा था, नुक्कड़ नाट्य आंदोलन, और आपातकाल का बाद दौर था, तो इसलिए सवा सेर गेहूं को किसानों की कहानी कहने के लिए बहुत उसका प्रयोग किया गया। सवा सेर गेहूं की वो कहानी बहुत अपने आप में कालजयी कहानी है कि एक संकर किसान, पिछड़ी जाति का किसान, ने अपने घर में एक साधु जब आता है तो साधु के मेहमानी में उसे स्वागत के लिए, उसके घर में कुछ भी नहीं है, तो वो विप्र ब्राह्मण थे जो महाजनगिरी का भी काम करते थे, उनके यहां से वो सवा सेर गेहूं ले आता है और वो साधु महाराज को खिलाता है। बात आई गई हो गई। कुछ वर्षों के बाद विप्र जो ब्राह्मण थे उन्होंने कहा कि इसका इंटरेस्ट तुम्हें चुकाना पड़ेगा, और वो इंटरेस्ट इतना ज्यादा हो जा रहा है कि पूरी जिंदगी उसकी गुजर जा रही है। इसी तरह से आप देखेंगे पूस की रात भी हमारे सामने है, बलिदान उनकी कहानी है। ये सारे कहानियों का लोगों ने रंगमंच में किसान का जब भी सवाल हुआ तो उठाने की कोशिश। अभी जो है पिछले दिनों MS सथ्यू ने, अभी जो किसानों की जो हालात है, क्योंकि अब ब्रिटिश साम्राज्यवाद का वो रूप रहा नहीं, वो परोक्ष में है, पूंजीवाद भी देखेंगे आपको वो सामने एकदम नहीं है, वो पीछे है। अब हमारे सामने कुछ कुछ जमींदार भी आपको कुछ धुंधले धुंधले नजर आएंगे, कॉरपोरेट हमारे सामने एक निकल कर उभर कर आया। अब विशेषकर पिछले 10-15 वर्षों से, और कॉरपोरेट का चेहरा अब तो 2014 से, जब से ये सरकार आई है, एकदम सामने आ गया है। सत्यु ने पिछले दिनों एक नाटक खेला, गिरजा के सपने। उस नाटक में यही सवाल उठाया गया था कि विदेशी बहुत से कंपनियां आ गई हैं, कॉरपोरेट आ गई हैं, मल्टीनेशनल्स कंपनी आ गई हैं, अब किसानों को लुभाव ने वो सब्सिडी देके, सरकार सब्सिडी देके, खाद का देकर वो बहुत सारे लोगों को पैसे दे रही है लोन पर, उस लोन को न चुकाने के कारण अंततः गिरजा का जो है पति वो सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जा रहा है। मेरा भी एक नाटक है, सुखिया मर गया भूख से, जो देश भर में काफी खेला गया, इन्हीं सवालों को लेकर है कि कैसे वो बैंक से लोन लेता है और बैंक से लोन लेने के बाद किस तरह से उसको न चुकाने के कारण, न चुका पाने के कारण उस पर किस तरह से दबाव आता है, वो तनाव में जीता है, और वो अंततः जब अपने आप को हीनता का बोध उसके अंदर होता है कि अब मैं क्या करूंगा, मेरी नीलामी हो जाएगी, और वो कहीं ना कहीं वो सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाता है। लेकिन सरकार जो है उसका ये कहना है कि किसान तो सुसाइड कर ही नहीं सकती, क्योंकि हमने उसके लिए इतने मुहैया करा रखे हैं, सुविधाएं दे रखी हैं कि किसान आत्महत्या से तो मर ही नहीं सकता। तो एक तरफ किसान आत्महत्या लाखों की संख्या में कर रहे हैं और सरकार कह रही है, उनका जो नारे हैं कि नहीं, किसान को मैंने इतना मैंने सुविधाएं दे दी हैं, तो ये नाटक उसी पर था। तो जो अभी जो हाल का दृश्य है, परिदृश्य है, जिस तरह का आंदोलन है, मुझे ऐसा लगता है कि मुख्य धारा का जो रंगमंच है शायद भले परहेज करे, क्योंकि एक वो सरकार से नाराजगी भी नहीं लेना चाहे, उन्हें ग्रांट की हमेशा वो रहता है, निगाह में भी रहती है, ग्रांट भी सरकार से मिल जाए, और अगर वो ऐसे किसान के विरोध, किसान के कृषि नीति के विरोध में अगर नाटक करेंगे तो उनको खतरा बना रहेगा कि हम कैसे सरकार के ग्रांट पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हमें जितने भी रंगमंच इससे जुड़े हुए लोग हैं उन्हें एक ऐसे रूप में तलाशना होगा कि जिससे हम किसानों के बीच हम सीधे जाएं। अभी हम किसानों को ऑडिटोरियम में लाने की स्थिति में नहीं है। अभी जो रूप है हमें, जैसे आंदोलन के समय रूप होता है, आंदोलन भी अपना रूप लेती है, पार्लियामेंट से बाहर भी आती है, सड़कों नुक्कड़ों पर जाती है, तो अभी हमें ऐसा लगता है कि रंगकर्मियों को, किसानों को सवाल को उठाने के लिए, किसान और किसानी की बात कहने के लिए हमें जनता के बीच जाने का रास्ता तलाशना होगा, उनकी भाषा उनकी बोली तलाशनी होगी, कैसे तथ्य को लिया जाए, किस तथ्य को सामने लाया जाए, ये हमारी प्रमुखता होनी चाहिए। और मुझे लग रहा है कि जिस तरह से
साहित्य से जुड़े हुए लोग कविता के रूप में भूमिका अदा कर रहे हैं, रंगमंच से जुड़े हुए लोग भी निश्चित करेंगे और कर रहे हैं। हम बिल्कुल निराश नहीं हैं। ये आने वाले दिनों में जैसे जैसे आंदोलन तेज होगा, आप देखिएगा एक बहुत बड़ा जनमानस जो है थिएटर से जुड़े हुए लोग इस लड़ाई से जुड़ेंगे और कहीं न कहीं उनके साथ मिलकर उनके आवाज लगाएंगे, परचम फहराएंगे सरकार के विरोध में, किसानों के पक्ष में। मुझे लगता है कि बात मेरी जितना मैं चाह रहा था वो मैंने कह दिया है। मैं किताबी दुनिया को मुझे जो ये मौका मिला, मौका दिया बोलने के लिए, किसानों के पक्ष में कुछ कहने के लिए, मैं फिर से आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद।